नमस्कार, मेरा नाम कोमल है। मैं नागौर जिले की रहने वाली हूँ। मैं डिजिटल बाल मेला 2021 सीजन 2 में स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। वंदे मातरम। दोस्तों, हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करो उस देश को कि दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को कोमल बबल का नमस्कार। दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इस आज़ादी के बदले में हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए। दोस्तों, जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता पर उनके पूरे माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र और तैयार होते हैं, कई हजरते। और जब कभी आतंकवादी हमलों में वो जवान शहीद होता है तो पता है क्या होता है? इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूहें कांप जाती हैं और उनके बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप के कई सपने, वो चूड़ी, वो बिल्ली, वो मुस्कान, सब एक सफ़ेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। जब एक जवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार नहीं रोता है बल्कि वो हर इंसान रोता है जो शहद के मायने समझता है। वो नागरिक रोता है जो अपने देश के प्रति प्यार रखता है। और जब तिरंगे से लिपटे जवान को आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। आज हमारे देश में हमारे जवानों के शौर्य पर अपने सवाल उठाए जा रहे हैं और हमारे देश के राजनेता उनकी स्वर को राजनीति में ला रहे हैं। हमें ऐसे स्थानीय नेताओं की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह भारत देश 1962 वाला देश नहीं रहा। अब यह एक नया भारत है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और दोस्तों, यह देश ना कभी रुकेगा ना कभी झुकेगा। आज छोटी छोटी आंखों वाले चीन को भी हमारे देश के जवानों ने धूल चटा दी और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यह हमारी कम नसीबी है कि हम स्वदेशी चीज का बजाय विदेश चीज का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और हमें ही गुलाम बना लिया था। इसी तरह हम विदेशी चीज़ का इस्तेमाल करके देश के आर्थिक स्थिति बिगाड़ रहे हैं। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार लोकल को वोकल बनाना होगा। आज इस अवसर पर हम कसम खाते हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी चीज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लोकल को वोकल बनाएंगे और देश को स्वस्थ रखेंगे। अंत में मैं कुछ लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे प्यारे वतन, तुमको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन, तुम्हें सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।